देपालपुर में करणी सेना एवं सर्व राजपूत समाज ने पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस से झूठा केस वापस लेने की मांग की। पुलिस के खिलाफ झूठी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं पुलिस ने जिस फरियादी बनाकर प्रकरण दर्ज किया उसने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझे थाने पर बुलाकर 3 कोरे कागज पर दस्तखत करवाए। राजपूत समाज के हमारे भाई हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। दरअसल बीते दिनों देपालपुर में राजपूत समाज एवं करणी सेना द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद देपालपुर पुलिस ने राजपूत समाज के 30 अधिक लोगों पर केस दर्ज किया। वहीं पुलिस ने जिस युवक को फरियादी बनाकर राजपूत समाज के लोगों पर केस दर्ज किया उसी युवक ने पुलिस पर आरोप लगाए कि मुझ पर दबाव बनाकर पुलिस ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे नाम से राजपूत समाज के मेरे भाइयों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। इसी बात को लेकर राजपूत समाज में पुलिस के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने को लेकर रोष देखने को मिला। करणी सेना के पदाधिकारी एवं राजपूत समाज के लोगों ने देपालपुर पुलिस थाने पर पहुंचकर केस खत्म करने की मांग की और संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। नहीं थी, आपको मालूम होगा भोपाल में जो 8 जनवरी जन आंदोलन हुआ था और हमारी 22 सूत्रीय मांगों थी उनको लेकर हमने जो धरना प्रदर्शन किया था उस आंदोलन में, उसी के रूप में मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा था, तो अपने देपालपुर में भी पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया था। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन हुआ था और कहीं भी कोई चक्का जाम नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं किसी आम व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं थाना प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी ऊपरी राजनीतिक प्रेशर के कारण एक व्यक्ति के झूठे बयान लेकर हमारे 5 लोगों के ऊपर नाम दर्ज मुकदमे और करीबन 40 लोग अज्ञात लोगों के ऊपर हमने मुकदमे दर्ज किए थे, इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए हमने थाने में आज ज्ञापन दिया है अपने SP साहब के नाम पर। और SP साहब से हमारी चर्चा भी हुई है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और कोई भी दोषी नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं है, तो इस मुकदमे को तुरंत प्रभाव से यहीं समाप्त कर दिया जाए, इसलिए हम वहाँ थाने पहुँचे थे। अभी क्या कुछ बात हुई अधिकारियों साहब? अभी हमें मांगा कि 4 दिन में हम जाँच करा के और आप लोगों के ऊपर ही अगर मुकदमा कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आने वाले समय में अगर ये नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वापस ये राजनीतिक प्रेशर में दबाव पाते हैं और कुछ करते हैं तो करणी सेना की जो कार्य व्यवस्था है वो जग जाहिर है। हम लोगों को अच्छे से आता है कि हमारी बात कैसे मनवाई जाती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम बड़े लेवल पे इसका घेराव करेंगे, थाने का क्या, हम मुख्यालय का घेराव करेंगे और अगर इसे झूठे मुकदमे सरकार या अपने जिला प्रशासन या थाना अधिकारी अगर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है तो उसका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। हुआ था कि करणी सेना वालों का जुलूस निकल रहा था और मैं मेरी दुकान पर खड़ा था, तब हरवेंद्र यादव जी आए, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यार 5 मिनट का काम है तो थाने चल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी समाज क्या है, मैंने बोलता है मेरा समाज चमार समाज का हूँ मैं। फिर बोलते हैं कि चल 5 मिनट का काम है तो तू थाने चल। मेरे को ऐसे करके बिठाया उन्होंने, बिठाने के पश्चात वो दुकान पर थाने पर ले गए, वहाँ पर 3 या 3.5 घंटे बिठाया और कोरे कागज़ पर साइन करवाई और मेरा नाम पूछा, मेरे माता पिता का नाम पूछा, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया मुझे। कल सुबह आया तो पेपर में न्यूज़ में देखा मैंने कि मेरा उसमें नाम डाला गया, लिखा गया कि यशवंत चौहान ने FIR दर्ज करवाई करणी सेनाओं के लिए, जबकि उसकी हकीकत मतलब उसके बाद पता चला ना, वो गया तो वो पेपर में देखा तो पता चला कि यार वो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैंने करणी सेना वालों को मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उनने पूछा कि भाई तूने हमारे खिलाफ़ कार्रवाई क्यों करी। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मुझे ज़बरदस्ती नाम लिखा गया मेरा और ज़बरदस्ती फंसाया गया। उन लोगों के पास किसी के फ़ोन भी आ रहे थे बार बार, कोई दबाव वबाव था शायद उनके ऊपर, तो इसलिए पुलिस वालों के ऊपर इसलिए वो लोग मुझे फंसाना चाहते थे। अच्छा, कौन कौन पुलिस वाले थे? हरविंद जी यादव जी थे और हमारे राठौर साहब थे और 4-5 पुलिस वाले थे, उनके नाम नहीं पता। नाम क्या था? मेरा रहता हूँ रविदास मार्ग में। अभी क्या तुमको किसी प्रकार का कोई डर वगैरह है क्या? अभी डर तो क्या, बाद में मुझे कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। बस मैं तो विनती करता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ। जबरन में मुझे इस केस में डाला गया और फंसाया गया। राजपूत समाज से आपको कोई आपत्ति नहीं? कोई, सब मेरे भाई लोग हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं। राजपूत समाज से बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे, हम साथ में बैठते उठते हैं, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं और सब मेरे भाई हैं और सब हिंदू हम भाई भाई हैं। मेरे से तो उनसे इतनी बातचीत हुई है कि जो अगर उसमें कहीं कोई कार्रवाई जो की जा रही है, अगर उसमें कहीं कुछ गलती हुई हो तो उसमें, तो मैंने वही कहा कि उसमें हम जाँच करके जो भी सही कार्रवाई होगी वही कार्रवाई करेंगे उसके अंतर्गत।
मैम आरोप है कार्रवाई उसके बावजूद पुलिस ने कर लिया। वही मैं सेम बात अपनी रिपीट करना चाहूँगी कि जांच करके अगर जो भी उसमें सही चीज़ आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी लगभग कितने लोगों पर कार्रवाई की गई क्या कुछ? उसमें ऐसे सिर्फ लगभग संख्या लिखी हुई है 30-40, उसमें किसी का कुछ लोगों के नाम और 30-40 लिखा हुआ है सर, तो वो क्लियर नहीं है, इकट्ठे लोग थे ना। यदि मान लो मैडम जाँच यदि सही पाई जाती है तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे? देखिए FIR तो वापस ली नहीं जाती, उसमें जो भी आगे पॉसिबल हाँ होगा वो कार्रवाई होगी उसमें, वो तो आगे की कार्रवाई एक बार FIR होने के बाद में जो आगे होता है वही प्रोसेस होगी। थैंक यू।